किसान ट्रेन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहलवानों को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं और जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने पहले से ही आह्वान किया था कि 8 तारीख को पूरे देश भर से किसानों के जत्थे वहां पहुंचेंगे और पहलवानों को समर्थन देने के लिए जाएंगे, तो आज उसी कड़ी में लोग अपनी गाड़ियों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से वहां पे जा रहे हैं। सर, कल भी एक बड़ी महापंचायत है, वो जंतर मंतर पर हुई, राकेश टिकैत, युधवीर सिंह, दर्शन पाल वहाँ पर मौजूद थे। अब आज गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की वहाँ पर बड़ी बैठक है, वो होने जा रही है, क्या रणनीति है वो बनाई जा रही है? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये आंदोलन पहलवानों का है और हम उनका समर्थन दे रहे हैं, तो जो रणनीति होगी, जो भी कुछ होगा, वो पहलवानों की रणनीति होगी, कमेटी होगी, नेतृत्व होगा, वो पहलवानों का होगा। हम तो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं, अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक उनके साथ खड़े हैं। कोई भी कुर्बानी अपने पहलवानों के साथ, उनके सहयोग करने के लिए हमें देनी पड़ेगी, उनका साथ देने के लिए हमें देनी पड़ेगी, तो वो भी हम देने को तैयार है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ब्रजभूषण ने कल खापो और किसान नेताओं को अपील की, अपील की कि मैं अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी में लटका दो, इस तरह की नहीं। उससे अब तक जब पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में उसके ऊपर मामला दर्ज है, तो अब तक उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? अब तक तो 164 के बयान उसके दर्ज हो लेने चाहिए थे, लेकिन अब तक उसके बयान दर्ज नहीं किए गए। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि ब्रजभूषण शरण शायद बीजेपी वालों के लिए कानून से, संविधान से ऊपर हो गया, इसलिए वो गुंडागर्दी कर रहा है। कुछ दिन पहले तक तो वो ये धमका रहा था कि मेरे लोगों में बहुत पीड़ा और मेरे लोग कई गुणा संख्या में जंतर मंतर पहुंच जाएंगे, और आज वो गिड़गिड़ा रहा है। देखो, इस समाज का इतिहास रहा, हमारे समाज का ये समाज जब भी दिल्ली गया है तो दिल्ली से खाली हाथ वापस लौट के नहीं आया, हमेशा जीत के आया और अब की बार भी जीत के आया। जिस तरह से कल बॉर्डर पर तस्वीर देखने को सामने आई, वो तस्वीर एक बार किसान आंदोलन में देखी गई थी कि पुलिस ने बैरिकेटिंग की। देखिए, वो तो ये तो इस सरकार के 4 साल का पूरा एक रिकॉर्ड बन गया। इस सरकार के 4 साल के रिकॉर्ड में हर कोई दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, सरपंच भी दुखी है, किसान भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है, सारे दुखी हैं, तो सबके लगातार आंदोलन चल रहे हैं, तो इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि कुछ दिन वो बचाने का काम किया है और अब जो जूनियर बच्चे हैं उनके भविष्य की बात में, महिलाओं का यौन शोषण करके कुश्ती बचेगी? जब महिलाओं का यौन शोषण कोई फेडरेशन का अध्यक्ष करेगा और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो कौन अपनी बेटी को अखाड़ों में भेजेगा प्रैक्टिस के लिए? कौन अपनी बेटी को फेडरेशन के सेंटरों में भेजेगा? क्या महिलाओं का यौन शोषण करके, क्या उनकी इज्जत की खिलवाड़, इज्जत के साथ खिलवाड़ करके कुश्ती आगे बढ़ेगी? ये बेवजह की बातें हैं ब्रजभूषण शरण की, इनका कोई आधार नहीं है।